दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक जंग छिड़ गई है और सभी सुशांत की सुसाइड का कारण भी नेपोटिज्म को बता रहे हैं, जिनमें सलमान खान और करण जौहर को दोषी ठहराया जा रहा है। अब तक केवल बॉलीवुड स्टार ही सुशांत सिंह के लिए नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी सुशांत के फेवर में आ खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने सलमान खान को भी एक करारा जवाब दिया है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर नागार्जुन अक्किनेनी ने उनके लिए अपनी भावनाएं जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे और अभिनेता के रूप में उनका कोई सानी नहीं था। बिहार के लोग उन पर गर्व महसूस करते थे। हमने एक गौरव को खो दिया है। जब से मैंने उनके निधन की खबर सुनी थी, जब से ही मैं काफ़ी भावुक हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ और एक कलाकार को बखूबी समझता हूँ। नेपोटिज्म की बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी पहले से है, जिसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। इसलिए मैं बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करता। और रही बात सुशांत की, तो उनके केस की जाँच चल रही है, पर सामने आ रही बातों से तो जाहिर है कि वह भी नेपोटिज्म का शिकार हुए, जिनमें सलमान खान का भी नाम शामिल है, जिनकी वजह से उन्हें काम नहीं मिला। मेरा भी मानना है कि इस मामले में सलमान खान दोषी है, क्योंकि वह बरसों से ही स्टार किड्स को ही लॉन्च करते आए हैं, जिनमें टैलेंट नहीं है। तो दोस्तों, आप नागार्जुन की बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।